एंड गाइस ये देखो गाइस, ये अभी मैंने नया डलवाया था दो तीन दिन पहले, रोहित से गिर गया था तब नया डलवाया था ये, और आज इसकी हालत देखो ये किसने कर दी, ये देखना। अरे अभी तो हम इतने नहीं चढ़े भाई कि अभी से हेटर हमारे स्टार्ट हो गए बनने, अभी तो सिर्फ 7,000 ही हुए हैं और 7,000 में ये हाल है। अगर गलती से 7 मिलियन होते तो पता नहीं क्या करके जाते, शायद आगे पीछे सारा तोड़ जाते गाइस। अब दिक्कत यह है पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज सुबह से मैंने इसको ना छेड़ा नहीं है, मैं सारा दिन स्टोर पे ही था, बस एक दो बार गया था वो भी मैं पैदल चला गया था, आज सुबह से नहीं। हेलो गाइस, जय परशुराम जय श्री श्याम, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है मेरे भाई का, मेरी जान का, मेरी लाइफ लाइन का, मेरे एडिटर का, मेरे को एक्टर का, मेरे सारी चीज का, आज है मेरे भाई का धड़क का बर्थडे। और ये देखो नंगूनाथ, ये नंगूनाथ मेरा है, ये देख लो मजे ले रहा है, ये देख लो। हेलो हेलो करते सबको, हेलो करते बाय करते बाय। देखा दोस्तों आप सबको ये बाय कर रही है, लेकिन इसकी बाय आप समझना कि आपको हाय कर रही है, ठीक है ना, चौथी है ना ये, अभी बोलती नहीं है ये। एंड गाइस जैसे कि आपने देखा ही होगा, कल मैं राधिका और को ले आया हूँ, बट मुझे आज जाना था, हमें ना छुट्टी आज चाहिए थी, बट भरत को इनकेस किसी चक्कर में ना छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए भरत ने कल छुट्टी ले ली, आज लेनी थी, कुछ प्रोग्राम्स करने थे बट वो कैंसिल हो चुके हैं, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि आज हमें जाना है शोरूम, और जब शोरूम पे रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, तो सेलिब्रेशन थोड़ा सा कम होगा, बट जो भी होगा जरूर करेंगे, और आपको जरूर दिखाऊंगा कि मेरे भाई का बर्थडे है ना, इवन एक केक तो बनता है, तो वो तो कटवाएंगे, उसके लिए फिर शोरूम जाएंगे वहाँ पे। और उससे पहले अभी कर लेते हैं नाश्ता, मैंने पूजा पाठ कर लिया है, अभी कर लेते हैं नाश्ता फटाफट से, आलू के पराठे बने हैं, मज़ा आ जाएगा, आज खा लूँगा, मैंने छोड़ रखे थे, आज खा लूँगा भाई ये बर्थडे पे, बिकॉज मैंने जिम ज्वाइन कर रखी है और मैं डाइटिंग पर चल रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने पिछले 1.5 महीने में यानी कि इस टाइप की तली हुई चीज़ें जो है वो अवॉइड कर रखी है, छोड़ रखी है, बट आज भाई का बर्थडे है तो आज खाएंगे आलू के पराठे, देखते चाय या दही या शायद चाय होगी, तो पहले इंजॉय करते हैं मस्त। और अपना ये देखो व्लॉग चल रहा है, और ये है बर्थडे बॉय, सब इसका हैप्पी बर्थडे बोल दो, प्यारी बाबू, इसको हमारी फैमिली में प्यारी बाबू बोलते हैं, तो आप लोग भी इसे प्यारी बाबू बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं प्यारी बाबू हैप्पी बर्थडे। और ये माँ से इसको मिल गया खर्ची, वाओ कितनी है, ले भाई आज तो इतनी तो इसकी दिहाड़ी को नहीं दिहाड़ी से ज्यादा मिल गए, पार्टी दे ली इसने, इसने वही दो प्याज की रोटी मंगा लेनी है, आज तो मंगलवार आज तो मंगा भी नहीं सकता पार्टी दे ली इसने आज। ओ चलो अब कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता, कल से पार्टी देनी है चाची ने। भाऊ जी क्या खिलाओगे आज हमको, जो साई गएगा, जो साई गएगा पक्का, तो दोस्तों आज फिर हम साई को करेंगे दिन में फोन या शाम को जिस टाइम हम आएंगे, और उससे पूछेंगे कि क्या है साई का ऑर्डर, और बातचीत चल रही है कि ये जो लड़का है ये इतना शैतान हो चुका है कि इसने ना तो भाभी माँ को हैप्पी बर्थडे विश किया था सुबह उठ के, बाद में किया था यानी कि दोपहर बाद, और ना ही किसका आया था, और किसका था, सोनी कन्नू बच्चों को भी, और सोनी कन्नू को भी नहीं किया इसने, तो आज कन्नू ने भी नहीं किया इसको, तो कन्नू ने तो अपना बदला ले लिया, ये झूठी अफवाह है। क्या कह रहे हैं सर आप, जरा आप अपने रख रहे थे कुछ बताइए, ये झूठी अफवाह मत फैलाओ मेरे खिलाफ, और जोर से बोलो ये झूठी अफवाह, समझ सकते हैं कि ये झूठी नहीं सच्ची है, क्योंकि गड़बड़ हो गई है इसके बीच में, है ना, तो डन हो चुका है कि जो साई मंगाएगा वही आएगा, तो साई को शाम को फोन करेंगे और पूछेंगे उससे कि उसने क्या खाना है, अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता आ गया ये रहा, ठीक है फटाफट कर लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि हमें फिर लेट हो रहा है, 9:30 हो गई है, तो दोस्तों खाना खा लिया है और अब जा रहे हैं शोरूम पे काम पे, चलो चलते हैं, है ना, रोज की तरह यही काम रहेगा, बस एक दिन छुट्टी मिलती है उस दिन घर के काम, अदरवाइज ये काम टाइम ही नहीं मिल पाता आप लोग के लिए कोई अच्छे कंटेंट के लिए, बट निकालेंगे दोस्तों, जरूर दिखाएंगे आप,
अब बने रहो बस, साथ देते रहो, जैसे अब तक दिया है वैसे देते रहो, साथ के हो गया है, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले हम आए हैं कहाँ पे, ये देखो आप समझ ही गए होगे, हाथ में फूल, और हम जाएंगे बाबा के चरणों में, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। अब ओम श्री शाम जी, ओम श्री शाम जी। आशीर्वाद लेते हुए बाबा का, तो बोलो सभी भक्तों बोलो जय श्री श्याम। अभी आया था मैं HDFC बैंक में कैश जमा कराने, कंपनी के काम भी करने पड़ेंगे, सैलरी इसी चीज की मिलती है अपने को, कैश जमा कराओ सैलरी लो, है ना। तो फिर चलते हैं शोरूम। तो गाइस भरत का बर्थडे स्टार्ट करते हैं अब, और इसके लिए केक लेके आया है, ये है, ये क्या लिखवा रखा भाई, तो आप ही हो। चलो चलो, ओ गाना नचला हुआ, गाना नचला कर लो यार, कर लो यार, कर लो यार भाई, यार लाल हेलमेट सो जाएगा जरा, वो तो चढ़ जाएगा फ्लोर पर भी। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे इनका चूपा। गाइस भरत के स्टोर पे तो भरत का बर्थडे बना लिया था, तो मेरे स्टोर पे भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई का, अपनी जान का बर्थडे बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे भी केक लेके आया हूँ, और अब चलो अंदर उसका बर्थडे बनाते हैं, क्योंकि अंदर की वीडियो अलाउड नहीं है, बट थोड़ी बहुत दिखा सकता हूँ, जो मेरे काउंटर की है वहाँ की बना सकता हूँ, वो बनाते हैं और फटाफट से उसका केक काटते हैं। और अभी रोहित भी आ रहा है उसके स्टोर से, उसको बुला लिया, बस फिर चलते हैं अंदर और केक काटते हैं, भाई का बर्थडे बनाते हैं मस्त तरीके से। तो गाइस करते हैं स्टार्ट, अब भरत काटेगा केक, और आजा इधर सुषमा, आ जा, आओ आओ फटाफट जल्दी आजा, नमित सर, प्रफुल्ल सर, साथ में है भाई राहुल, आजा भाई, ठीक है। तो ये सब, और ये हमारे साथ में वाइल्ड क्राफ्ट का जो न्यू स्टोर ओपन हुआ वहाँ के स्टोर मैनेजर है, और उत्तराखंड से आए हैं ये, यूके से डायरेक्टली बर्थडे के लिए, डायरेक्टली भाई के बर्थडे के लिए आए हैं, सीधा यहीं फ्लाइट उतरी है इनकी, और फिर अब ओपन करवाएंगे इनका स्टोर, ठीक है। तो 1 2 3 स्टार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से बोलो भाई, खिला दे ले, TDS वगैरह जो पड़ता है उनका वो देंगे बस, उसको दे भाई, राहुल भाई उसको दे, पहले उसको दिया है, एक मिनट इसको उसके अंदर कर देते हैं, यहाँ से काट के इसके दर्द लगा दे, लगा दे, लगा दे मुंह पे, लगा दे थोड़ा, लगा दे वेश, एक भाई भरत, हैप्पी बर्थडे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई को बर्थडे, हाँ दोनों को साथ में, अरे भाई भाई चल। तो ये मेरी तरफ से, अब जो अभी तो थी हजार साल, एक दिन में हुआ 1-2-3 लाख दिन, वो कंपनी का जो माइंड अप हो चुका है। एंड गाइज ये देखो गाइज, ये अभी मैंने नया डलवाया था 2-3 दिन पहले, रोहित से गिर गया था तब नया डलवाया था ये, और आज इसकी हालत देखो, ये किसने कर दी, ये देखना। अरे अभी तो हम इतने नहीं चढ़े भाई कि अभी से हेटर हमारे स्टार्ट हो गए बनने, अभी तो सिर्फ 7,000 ही हुए हैं, और 7,000 में ये हाल है, अगर गलती से 7 मिलियन होते तो पता नहीं क्या करके जाते, शायद आगे पीछे सारा तोड़ जाते गाइज। अब दिक्कत यह है, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज सुबह से मैंने इसको ना छेड़ा नहीं है, मैं सारा दिन स्टोर पे ही था, बस एक दो बार गया था, वो भी मैं पैदल चला गया था, आज सुबह से नहीं छेड़ा इसको, और ना ही इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया, और ये हो गया गाइस।
अब बताओ गाइस क्या करें, देखो सारा दिन मेहनत करते हैं हैं, और फिर ये चीज़ दिख जाए तो दिल कैसे दुखता है। इवन वही बात है ना, क्या बोल सकते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक करा लेंगे, बट जिसने ये किया है अच्छा नहीं किया है ना। किसी अच्छे काम जा रहा था, मूड खराब हो गया यार। ठीक है स्प्लेंडर है, बट हमारे लिए तो हमारे यूं लगा लो कि ये हमारी कावासाकी से कम नहीं है भाई। कितना साथ दिया इसने, 2009 में गिफ्ट मिली थी बड़े भैया ने मेरे को, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था ये, तो मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है मेरे को ये। ठीक है तो इसको उस हिसाब से संभाल के भी रखता हूँ मैं, बट ये चीज़ें देख के ना थोड़ा दुख लगता है कि हाँ कोई तो यार हमसे तो किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं है। फ़ोन कर गया यहाँ पे खड़े खड़े गए बताऊँ, और जिसने भी किया है अगर बता भी जाता, क्योंकि सबको पता है कि ये मेरी बाइक है और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और किसी से हुआ भी है तो आगे बता देता कि भाई तेरी बाइक गिर गई, किसी से गिरी होगी मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि ऐसे कोई तोड़ के तो जाने सर, अगर तोड़ रहा होता तो दिख ही जाता सामने, ये किसी से गिरी है और जिससे गिरी है वो गेयर घूर के और अपना साइड होके चला गया। अरे बता देता कोई बात, उसी टाइम ठीक करा लेते, अब रात को कहाँ इसको लेता फिरूँगा मैं, 9:30 का टाइम और कहाँ इसको लेता फिरूँगा मैं, बताओ दोस्तों। चलो जो है सो है, इसको यहीं खड़ी करके जाएंगे आज, ऑटो वगैरह में जाएंगे घर, या देखते हैं जैसे भी होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने इसमें भी कुछ अच्छा सोचा होगा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अब। गाइज हमारे इतने एट्रो हो गए, इतने एट्रो हो गया, ये हमारी ये देखो बजाज ब्लेक देखो, इसका भी सुई मार दी, पेंचर कर दिया गाइज, ये देखो और ये देखो जोक स्टार्ट, ये रोहित की है और इसको किसी ने क्या छुआ मार दिया, इनकी प्यार से ये हाल हो रखा है, पहले भूख मरते थे अब बाइक का पैसा, जा 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 सुआ मार गया, सुआ इसमें सुआ मार गया, अरे ये बड़ी दिन से रोहित है, आर्मी की स्पेलिंग सुनो मोन यार, जाए बता चटा की आर्मी की स्पेलिंग आ गई चक्कर में। एंड गाइस ये देखो, ये मेरी बाइक की न्यू लुक, नई लुक देख लो गाइस, ये तो ज्यादा नुकसान हो गया, 1.5-2 लाख का नुकसान, दो लाख रुपए का नुकसान हो गया गाइस, इंडिकेटर ही 50,000 के हैं इसके, 3 इंडिकेटर, 1.5 लाख तो यही हो गया, इसकी गोल लाइट लगवा देंगे नहीं बनाते थे अब इसको थोड़े दिनों में। तो हमारे मुंशी प्रेमचंद ने आज खर्चा कर दिया है, और ये देखो इसकी शक्ल देख लो, खर्चा करने के बाद नहीं करता है, करता है फुल उड़ाता है, फुल जितना होता है ना इसके पास, इसलिए ये रखता ही नहीं हलाल डबा, फेमस फेमस 15 सेक्टर के अंदर।